गुड आफ्टरनून बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा पांचवी में हिंदी व्याकरण विषय में पार्ट आठ संज्ञा उसमें भाग दो उसके बारे में अभ्यास करेंगे। भाग एक में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अभ्यास किया। अब दूसरे भाग में तीसरी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि उसके शब्द पर से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे है समूहवाचक संज्ञा, तो देखिए इसकी परिभाषा, जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे किसी एक ही प्रकार के प्राणियों और वस्तुओं का समूह सूचित करती है या फिर बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके उदाहरण देखिए। वैसे तो यहाँ पे जैसे भीड़, सेना, सभा, राशि, बंडल, ये आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा के हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें। पहला उदाहरण देखिए, शेर का झुंड पानी पी रहा था। यहाँ पे शेर का पूरा झुंड है, अकेला शेर नहीं है पर पूरा झुंड है। तो यहाँ पे समूहवाचक में क्या कहा है, समूह, पूरा समूह का उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ शेर का झुंड है, तो झुंड है वह समूहवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, क्रिकेट में हमारा दल जीत गया। क्रिकेट तो दो टीम खेलती है पर वो टुकड़ी, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है पर पूरे दल, दल जीत जाता है तो दल है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी तरह तीसरा वाक्य देखिए, गांव में मेला लगा है। गांव में क्या लगा है, मेला, मेले में बच्चे बड़े सब आते हैं तो वह पूरा समूह है, तो मेला के यह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में पूरे समूह का उल्लेख किया हुआ हो तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब हम आगे दूसरी संज्ञा देखेंगे। अब हम आगे की संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या, किसे कहते हैं। जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्यों और धातुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में खाने पीने के पदार्थ, अनाज और विभिन्न द्रव्य और धातु, इन सब का समावेश होता है। गुजराती में कहिए तो द्रव्यवाचक संज्ञा में दरेक पदार्थों, अनाज, कठोर धातु, विभिन्न प्रकार द्रव्यो तेमज प्रवाहीनो पण समावेश थाय छे, जेमा प्रवाहीमां पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आ बधी वस्तुઓનો સમાવેશ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞામાં થાય છે। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पे जय दूध लाए, यहाँ पे बताया है खाने पीने के पदार्थ, दूध है पीने का पदार्थ है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, सोना बहुत महंगा है। धातु है एक सोना तो वह है द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसे जब महंगा है ना सोना। अब तीसरा वाक्य देखिए, यह बाजरे का आटा है। बाजरा क्या है, अनाज, तो बाजरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से वाक्य में पदार्थ हो, अनाज हो, द्रव्य हो, धातु हो या कोई प्रवाही वस्तु हो तो उसका समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। अब हम आगे की संज्ञा देखेंगे।
अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। भाव यानी क्या? जो संज्ञा गुण दशा भाव या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा गुजराती में जोईए तो भाव એટલે લાગણી। જેમ કે અહીંયા ગુણ દશા ભાવ અને અવસ્થા આ બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, પણ લાગણી એટલે જેને આપણે સ્પર્શી નથી શકતા પણ અનુભવી શકીએ છીએ। જેમ કે પરીક્ષામાં આપણો કોઈનો નંબર આવે અને આપણે ખુશ થઈએ તો કેવું આપો મોટું આમ હસતું હોય છે, અને જો નાપાસ થઈએ તો દુઃખી થઈ જઈએ છીએ। તો આ આપણે અનુભવીએ છીએ, જેને આપણે જોઈ નથી શકતા પણ અનુભવીએ છીએ। તો ભાવ એટલે લાગણી। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला, लड़का चुपचाप बैठा है। यहाँ पे लड़का है वो कैसे बैठा है? चुपचाप। वह क्या दिखाती है? अवस्था दिखाती है। तो चुपचाप है वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए तो प्रसन्न है वह भाव दिखाता है, तो प्रसन्न है वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी तरह तीसरा वाक्य देखिए, बचपन में हम लड्डू से खेलते थे। कब खेलते थे? बचपन में। यह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा में गुण दशा भाव अवस्था बचपन सुख दुख यह आदि गुणों का समावेश होता है। तो आज हमने संज्ञा के भाग दो में तीन संज्ञा के प्रकार देखे। अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।